इधर उधर। हेलो दोस्तों, एक और भी स्नेक है यहाँ पे, तो हम दिखाते हैं कौन सा स्नेक है। पहले बोरी का इंतजाम कर लो, बाद में पकड़ेंगे। बिरजा हो, आओ यहाँ पे लेके आओ, देखो बोरी मिल गई, आराम से आना करना। हम दिखाते हैं कौन सा स्नेक है और कौन सा नहीं है। भाई जगह करो, थोड़ी जाओ हट जाओ, कहां से जगह बैठी है। एक मिनट शांति रहो, रुक जाओ। इसको कॉमन करेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ भारत देश में ये ज्यादा सबसे जहरीला सांप पाया जाता है। इसको यहाँ इंडिया में, भारत देश में कॉमन करेज बोला जाता है और सबसे ज्यादा ये जहरीली होती है। और स्पेक्टिकल कोबरा से ज्यादा जहरीली सांप पाया जाता है। इसके काटने पर आदमी सीधे डिस्ट्रिक्ट में बच सकता है और इसका और भी कहीं नहीं बच सकता है। इधर से बोरी का एक या डिब्बे का इंतजाम करो, फट से लाकर। पीछे पहुंच पकड़ो, पीछे। ये गड़ार ज्यादा ही जहरीली होती है। स्पेक्टिकल कोबरा या नाग वगैरह हो, इससे ज्यादा इसके जहर होता है, पावर होता है, सीधे आदमी डिस्ट्रिक्ट में बच सकता है, अन्य देश में और झाड़ फूंक के चक्कर में मत पड़े, सीधे डिस्ट्रिक्ट आप जाए। कोई टेंशन मत ले, इसको बाहर तरफ ही लेके आते हैं। ये ज्यादा बेहद ही जहरीला भारत में सांप पाया जाता है, ये जो कॉमन करेज के नाम से जाना जाता है। एक डिब्बे के अलावे यहाँ ये सबसे ज्यादा जहरीला सर्प होता है, भारत देश में पाया जाता है। ये भारतीय कॉमन करेज नाम से जाना जाता है और ज़्यादातर यहीं जमीन में निकलते हैं जहाँ खुदाई वगैरह होती है, और फिर घर में निकलते हैं शिकार के चक्कर में, अंदर चले जाते हैं। ये एक स्पेक्ट के लिए होता है, अन्य आदमी के लिए नहीं होता है। चलो बटब ले चलो, हमारा डिब्बा मिल गया, अंडा ले भैया, बट्टा पर ले चलो भाई, डरा ले आ जाओ। चलो कोई तो मैं अरे भाई लाइन लगे, एक एक लोग क्रॉस करो, तीन वाले टीन वाले में पकड़ बाबू, नहीं तो टीन ना निकाले थे। कहीं भी होगा पकड़ना। कहाँ रख भैया, पास में रख ली। करिया
काले में आता है नाग में, इसको कोबरा ही जाना जाता है यहाँ घर के, यहाँ देहात में कहते हैं नाग के नाम से जाना जाता है। तो ये ज़्यादा ही जहरीली होती है कामन करेत, इसके काटने पे आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपनी करेगा तो बांध छोड़ ले यहाँ पे, अगर काट भी ले तो आप डिस्ट्रिक्ट पहुँच सकते हैं, वरना इसके काटने पर जान चली जाती है। अब इतने ज्यादा इसके होते हैं, इसका 5 बूंद तो इसका 1 बूंद काम करता है इसके काटने से। बड़ा रही है लगाम, इसको लगाम भी देते हैं, लगाम मतलब लगेगा अकेले कुरिया नहीं काम करे हाथ में धागे से हमारे यहां इसे करा देते हैं। आप पंडित नहीं पहचान पंडित पकड़ाए, पंडित ने पकड़ाओ भैया, इसको बंद करने के लिए लाओ जल्दी। अरे एक डब्बा रखो घर में, बोरी होती है काली, एक लोहान होती है, एक धुआं गड़ा कहते हैं उसको, वैसे कामन करते थे हम लोग जानते हैं। आपने कहियो नाम, नाम है तो भाषाएं अलग अलग, तो सब छिप भी रहे तुम्हें के। हाँ जो सुराखों करे पड़ी गई पहले करो डब्बा बंद करो, बोरी ला ऐसे बंद करो तुम बोरी लगा बाबा ढक्कन लगा लगा रखा ऐसे, मेरा भाई बताता अगला नहीं मैं जानता हूँ तो अगला। हेलो दोस्तों, चलो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना हमको ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।